Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve Chapter 12, Exercise 12.3, Question number 7 for Class 10. Chapter name is Area Related to Circle. Question which is given in figure ABCD. Ek figure hai ABCD is a square of side 14 cm. Ye square hai, jinki side jo hai wo 14 cm. With center ABC. CD for the circle are drawn such that each circle touch externally two of the remaining three circles. इसमें बोला जा रहा है कि मतलब ये स्क्वायर जो है वो जहाँ पे इनकी जो वर्टेक्स है इनकी जो कॉर्नर है ना वो चार सर्कल का सेंटर है. ओके तो अगर ये सेंटर है सेंटर है और ये इस सेंटर से इस सेंटर मतलब सेमी तो यहाँ तक का ये मेजरमेंट क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर जो कि एक सर्कल का रेडियस हो जाएगा. ओके ये चीज़ हम फाइंड कर लेंगे. दूसरी चीज़ हम यहाँ पे फिगर में देख करके क्या समझ रहे हैं, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन. ये सेंटर में जो रीजन सेड किए हुए हैं इसका हमें एरिया फाइंड करना है. तो उस उसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये है कहाँ से कहाँ, मतलब सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये स्क्वायर जो है ना, इस स्क्वायर की पूरे स्क्वायर की एरिया से अगर ये 1, 2, 3, 4 यानी ये 4 क्वाड्रेंट को अगर लेस कर देते हैं तो ये सेडेड रीजन निकल जाता है. बस वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ओके हाँ, गिवन क्या क्या है, गिवन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर. ओके एंड तो और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टच कर रहा है, इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है ना, देखो इच सर्कल टच, इसका जो एक सर्कल हर एक सर्कल का एक्सटर्नल पार्ट जो है वो किसी दो सर्कल से, मतलब एक ये है तो रिमेन तीन में से किसी दो सर्कल के एक्सटर्नल पार्ट को वो टच कर रहा है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख दूंगी, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 14 अपॉन में 2 विच इज 7 सेंटीमीटर. ओके एरिया ऑफ सेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीपल साइड माइनस में क्वाड्रेंट की फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 एंड मल्टीपल 4, 14 मल्टीपल 14 माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये पाई हो गया 22 अपॉन में 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 से 7 कैंसिल हो गए, ये आ गया 196 और 22 7 जा अगर मल्टीपल करोगे तो वो आ जाएंगे 150. अब इसे लेस करेंगे तो 242 स्क्वायर सेंटीमीटर इस सेडेड रीजन का एरिया हमने फाइंड कर लिया. आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. अब तक इतने सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हो कि शायद मतलब कि मेरे जब मैं आपको एक्सप्लेन सिर्फ करती हूँ आप सॉल्यूशन अपने आप कर लेते होंगे. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें.